नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम डिबेटर, आपका सभी का बहुत स्वागत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां लोकतंत्र होने के नाते लगातार चुनावी सरगर्मियां चलती रहती है, लगातार यहां मामले चलते रहते हैं और लगातार भारत में मुद्दे की जो राजनीति है वो गर्म बनी रहती है। कभी धार्मिक मुद्दा होता है तो कभी रोजगार का मुद्दा होता है, कभी गरीबी का मुद्दा होता है तो कभी एक अलग व्यवस्था जो चल रही है वो चल रही है मुफ्त की राजनीति। और मुफ्त की राजनीति को एक अलग नाम दे दिया गया, वो दिया गया है रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर कि आप मुफ्त की खूब राजनीति करिए, खूब रेवड़ी बांटिए, इसलिए इस मामले को, इस मुद्दे को रेवड़ी कल्चर कहा जा रहा है। और यहाँ तक ये मुद्दा इस कदर गर्मा गया है कि इस पर एक याचिका दाखिल हो गई है। एक अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कहा है कि जो रेवड़ी कल्चर है बंद होना चाहिए और लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि इसमें कोर्ट क्या करेगी, इसमें सरकार, चुनाव आयोग कोई कानून बनाए, कोई कदम उठाए, इसमें सुप्रीम कोर्ट का लेना देना नहीं है। पर चूंकि याचिका दाखिल की गई है और तमाम तरह के यहाँ पर उनके वकील की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, बताया जा रहा है कि चूंकि अब इस रेवड़ी कल्चर से जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक जनादेश को प्राप्त करने के लिए अगर हम कोई वादे करते हैं तो वादों को मुफ्त की रेवड़ी नहीं माना जाना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक असमानता, दूरी, गरीबी और सभी लोगों तक व्यवस्था की पहुंच के लिए इसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। पर चूंकि मामला गर्म है इसलिए इस मामले पर चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 7 साल से एक अलग तरह की पटकथा राजनीति में चल रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनावी रेवड़ियां बांटने से सरकारें बन जाती हैं, तो मैं आपको बता दूं कई राजनीतिक दलों ने तमाम तरह की घोषणाएं की, वादे किए, तमाम तरह की मुफ्त की घोषणाएं की और उसके बावजूद उनको बहुमत तो क्या, उनको सीटें तक नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट है कि जनता को अगर कोई लाभ मिल रहा है तो वैध है और जनता अगर उससे लाभान्वित हो रही है, उसका कोई फायदा हो रहा है, तब भी अपने तत् तक होना चाहिए। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को लाभ मिलता कैसे है। अगर हम लाभ की बात करें तो हमारे देश के जो पुराने विद्वान थे उनका हमेशा कहना था कि अगर आप लाभ देना चाहते हैं तो लाभ दीजिए स्वास्थ्य का, अगर आप सेवा देना चाहते हैं मुफ्त की तो दीजिए शिक्षा की, अगर आप मुफ्त में कोई व्यवस्था देना चाहते हैं तो वो व्यवस्था दीजिए जागरूकता की। पर स्कूटी देना, टैबलेट देना, लैपटॉप देना और साथ ही साथ कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पेयजल और तमाम तरह की इस समय व्यवस्थाएं देश में चल रही हैं और इनको मुफ्त की राजनीति और अब ये रेवड़ी कल्चर के रूप में प्रसिद्ध हो रही हैं। कुछ बयान सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की वर्षक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे, तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी, तो आज कैसे कहते हैं वे, क्यों फिर हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से। आप जनता को बताइए इनके श्रेय, ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका ना मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे। भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को।
समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री होगी और इसके साथ साथ हमारे किसानों की पूरी सिंचाई पहले की तरह फ्री होगी, माफ होगी। इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत जायज है और समय परक, क्योंकि लगातार सरकार, देश के प्रधानमंत्री रेवड़ी की बात कर रहे हैं। आखिर कहां से ला रहे हैं रेवड़ी? जनता का पैसा है, जनता की गाढ़ी कमाई से दिए गए टैक्स से जनता के लिए लोक कल्याण का काम करना सरकार की जिम्मेदारी है। भाजपा सरकार 20 लाख करोड़ उद्योगपतियों का तो माफ कर देती है, लेकिन गरीब किसान जो लगातार पीड़ित है उसका कर्ज माफ करने पे वो उपदेश देते हैं कि रेवड़ी की बात मत करिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं और सरकार को इस पर बयान देना चाहिए, इस पर सफाई देनी चाहिए, व्याख्या देनी चाहिए। आखिर वो किन रेवड़ियों की बात कर रहे हैं? जो रेवड़ियां उन्होंने उद्योगपतियों को 20 लाख करोड़ कर्ज माफ करके बांटी, या लगातार जो पीड़ित कोरोना काल में पीड़ित किस आम जन, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार कह रहे थे कि 6000 रुपए मासिक दिया जाए, उसको लेकर उनको दर्द होता है, इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। भाजपा सरकार का जन विरोधी चरित्र सामने आ चुका है, इसलिए मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। तो चुनावी रेवड़ियां क्या है और रेवड़ी कल्चर क्या है? क्या मुफ्त की राजनीति रेवड़ी कल्चर है? क्या मुफ्त की बिजली रेवड़ी कल्चर है? मुफ्त का पेयजल रेवड़ी कल्चर है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना रेवड़ी कल्चर है? क्या मुफ्त राशन रेवड़ी कल्चर है? और अगर रेवड़ी कल्चर की बात करें तो मनरेगा भी रेवड़ी कल्चर माना जाएगा क्या? अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति देश में चरम पर है उसमें ये मुद्दा भी इस समय गरमाया हुआ है और लगातार सुनवाई चली। कल भी इस पर सुनवाई हुई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है, जिसमें CJI CB रमना, जेके माहेश्वरी, हेमा कोहली की पीठ सुनवाई कर रही है। हालांकि उन्होंने इस पर बड़ी सुनवाई करते हुए कहा है कि 20 अगस्त तक सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी राय दें, अपने सुझाव दें कि रेवड़ी कल्चर है क्या और कौन कौन सी योजनाएं रेवड़ी कल्चर में आती हैं, राय मांगी है। और इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होनी है, उस दिन भी बड़ी सुनवाई, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को कहा गया है, आदेश दिया गया है कि अपने अपने सुझाव दें। तो इस चर्चा पर जुड़ने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से विनोद सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रसपा से इखलाक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी से इमरान लतीफ जी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो विवेक श्रीवास्तव जी से रहेगा। विवेक जी, क्या मानते हैं कि रेवड़ी कल्चर जो आज मुद्दा उठ गया है, मुफ्त की राजनीति बनते बनते अब इसको रेवड़ी कल्चर कहा जाने लगा है, तो क्या मानते हैं जो इस तरह की याचिका दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है इस पर? देखिए गौरव जी, रेवड़ी कल्चर और लोक कल्याण की योजनाओं में बहुत बारीक अंतर है जी। इसको राजनीतिक सूझबूझ से समझने और देखने की जरूरत है जी। तमाम हमारे पड़ोसी देशों पर जब निगाह डालिए, उसमें हालिया जो श्रीलंका का हाल हुआ जी, इससे पहले एक दो और देशों के इस तरह के हालात हुए हैं, तो रेवड़ी कल्चर में और लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं उनसे होने वाली जो अर्थव्यवस्था को नुकसान है जी, उन सबका आकलन करते हुए इस पे बृहद चिंतन की आवश्यकता है जी। देखा ये गया कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं जी, वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए या सत्ता में वापसी करने के लिए कुछ भी वादा जनता से चुनाव के दौरान कर देते हैं, और
उनकी देखा देखी मजबूरी में कुछ राष्ट्रीय दल भी ऐसे कदम उठा लेते हैं जिन योजनाओं को धरती पे लाने में जनता के टैक्स का करोड़ों करोड़ों रुपया लगा होता है और उस योजना का लाभ अगर आप इस तरह से मुफ्त में बांट देंगे तो जनता के टैक्स के उस पैसे की रिकवरी कैसे होगी, ये सब तमाम विषय हैं। हाँ, इसी दौरान कुछ ऐसे विषय भी आते हैं जहाँ शासन जो लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा है उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि अपने जनता के हितों की रक्षा करें, उनकी प्राण रक्षा करें। जैसे आपने देखा होगा कि कोविड काल में भारत सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने भी गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था कराई। ये लोक कल्याणकारी शासन की अवधारणा के अंतर्गत रहा, ये आवश्यक था, ये प्राण रक्षा के लिए आवश्यक था। बिना राशन के, बिना भोजन के जन की प्राण रक्षा संभव नहीं थी। लेकिन अगर अब ये कहा जाए कि साहब मुफ्त बिजली भी लोक कल्याणकारी उसमें आती है, मुफ्त बस यात्रा भी आती है, तमाम सी चीज़ें, मैं एक दो विषय पे नहीं, कोई कैटेगराइज बात नहीं हो सकती आज के समय में जी। और हम चुनाव में जीतेंगे तो हम ये करेंगे, हम लैपटॉप बांटेंगे, हम स्कूटी बांटेंगे, तमाम से ऐसी बातें जी जिनका मतलब लोक कल्याण की जो मूलभूत अवधारणा उससे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। देखिए, रोटी कपड़ा मकान ये तो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। लेकिन अब हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको मोबाइल देंगे, हम आपको हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, कुछ ऐसी भी घोषणा आती है चुनाव में कि हम इतने लोगों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे। ये इस तरह की जो रेवड़ी कल्चर की बातें आ रही हैं इस पर कहीं ना कहीं एक मानदंड बनाए जाने की आवश्यकता कि नहीं, इस लिमिट के आगे नहीं, यही विषय है जी। एक यहाँ पर विषय ये भी है कि अभी हाल में ही जो हम लगातार देख रहे थे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको रेलवे की जो यात्रा होती थी उसमें छूट मिलती थी जी, 40-50% ठीक है। अब उस छूट को खत्म कर दिया गया है जी। मैं थोड़ा बहुत भार अगर पड़ रहा था तो उसको बहन करना चाहिए, क्योंकि हमारे वरिष्ठ नागरिक हमारे देश के और जिनकी आबादी बहुत नहीं है, मैंने बोलूँगा कि वो आधे हैं, कम आबादी है, वरिष्ठ नागरिक अपनी जिंदगी का कहते हैं बहुमूल्य समय, बहुमूल्य सेवा उन्होंने देश के विकास में दी है, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करें चाहे सरकारी सेक्टर की बात करें। तो जो लगातार चीज़ें चली आ रही थी उन पर अब अंकुश लगा दिया गया है। सरकार एक तरफ तो तमाम चीज़ों के लिए व्यवस्था बनाती है कि हाँ ये व्यवस्था बना रहा है। आप देख रहे हैं कि जो कि आपने बात कही अन्न राशन की, तो मैं आपको बता दूं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, निश्चित रूप से इसके लिए तमाम बड़े प्रावधान किए गए होंगे, सैकड़ों टन यहाँ पर, हज़ारों टन यहाँ पर अनाज की व्यवस्था की गई होगी, लाखों टन की उसमें भी खर्चा हुआ होगा। तो जब वरिष्ठ नागरिकों की बात आती है तो क्यों रोक दी जाती है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है और इसको क्यों मना कर दिया जाता है? वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अगर हम कोई रियायत दे रहे हैं तो देना चाहिए, और वो रियायत लगातार जनप्रतिनिधियों को मिलती रहती है, उन पर कोई रोक नहीं लगती है। तो कहीं ना कहीं अगर पैसे वाली बात है कि सरकार नुकसान में है, रेलवे नुकसान में है, तो उनको भी रोक लगना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, उनको कोई रोक नहीं लगती है, और जो नागरिक है, वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए रोक लगा दी जाती है। तो अगर मुफ्त की राजनीति है या कुछ आप दे रहे हैं या किसी को लाभ दे रहे हैं, जन यानी कि आपने कहा ना कि जन कल्याणकारी योजनाएं, तो ये भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसको क्यों बंद कर दिया गया? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ गौरव जी। देखिए, रोटी कपड़ा मकान तीन चीज तो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, उसको आप नकार नहीं सकते जी। अब देशाटन को भी आप उसमें शामिल कर ले जी, और तमाम अन्य चीज़ों को भी उसमें शामिल कर ले, तो ये चीज़ों का अथा विस्तार है जी। जो लोक कल्याण की जो अवधारणा की जिसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता उसकी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी आप क्षेत्रीय दलों की बात करें, किन क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे आप कि जो मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं? नहीं, बहुत से ऐसे दल हैं जो एक दूसरे की होड़ में ऐसे ऐसे वादे कर देते हैं। कुछ दल तो कहते हैं हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे, कुछ कहते हैं कि साहब हम आपको 300 यूनिट बिजली देंगे, कुछ कुछ कहते हैं, तमाम से ऐसे वादे आते हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी जी। चलिए ठीक है जी। तो विनोद जी हमारे साथ कांग्रेस जुड़े, विनोद जी क्या मानते हैं जिस तरह के, इस तरह की राजनीति चल रही है और अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, क्या मानते हैं कि आपका पक्ष क्या होना चाहिए इस तरह की राजनीति पर? देखिए, इसके दो तीन पहलू हैं। अब कोई राजनीतिक कोरी आधारहीन बात करने से आपके विषय के साथ और इस महत्वपूर्ण विषय पर न्याय नहीं हो पाएगा जी।
सवाल क्या है कि सरकार का नैतिक संवैधानिक दायित्व ये है कि प्राथमिक तौर पर कि जो लोग उपेक्षित हैं, वंचित हैं, कमज़ोर तबके के हैं, उनको ऊपर लाया जाए, देश के ऐसा व्यवस्था बनाई जाए, उनको कोई भी ऐसे प्रयोग किया जाए, ऐसे ऑफरिंग की जाए जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके, जी बिल्कुल, एक बात। दूसरी बात है क्या जब भारतीय जनता पार्टी इनको, हमारे साथी को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, आम आदमी को थोड़ी सी भी राहत किसी रूप में ना मिल जाए, उसको उससे बाद जैसे आपने वृद्धों के लिए रेलवे रियायत भी खत्म कर दिया, तो उसमें तो इनको, लेकिन अपने उद्योगपति चुनिंदा मित्रों को लाखों करोड़ के लोन में रियायत देने का काम करते हैं, रीलोन देने का काम करते हैं, उसमें इनको समस्या नहीं है। तो देश का साधन संसाधन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो सोच है पूरे इनके चुनिंदा उद्योगपति मित्रों को मिले और उसमें उनके व्यक्तिगत क्या सेटिंग गेटिंग है देश इससे वाकिफ है, एक बात। दूसरी बात ये, हाँ थोड़ा सा प्रबंधन की भी बात होती, इच्छा शक्ति की भी बात होती है और एक तरीके से चुनौतीपूर्ण काम कैसे आप करते हैं कि रेवेन्यू भी आ रहा है, मिडिल क्लास के साथ भी न्याय कर पा रहे हैं, ईमानदारी से जो अच्छा उद्यम या व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी सरकार समदृष्टि से देख रही है और उसका, लेकिन प्राइम फोकस उस पर है जो लोग इन सरकारी कार्यक्रमों के उनके माध्यम से ही ऊपर आ सकते हैं, उनके लिए पे उतना विकल्प नहीं है, विकल्प की हीनता है। तो ये तो होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रही बात अभी जो जिस विषय पर चर्चा हो रही, जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इस पे चुनाव आयोग मुझे लगता है कुछ संज्ञान लेगा, इलेक्शंस की क्या सीमा चुनावी दलों की होगी, क्या क्या कह के जाएंगे, RBI की कुछ गाइडलाइंस है, वो कहते हैं एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा प्रतिशत तक आप स्टेट पे भार नहीं हो सकता है। लेकिन आपने देखा वो आंकड़ों में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथी को खराब लगेगा, लगातार आप कर्ज की बात हो, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हो, सारे इंडिकेशंस हो, बता रहे हैं कि ये तो सरकार सबसे ज्यादा सर्वाधिक कर्ज लेने का काम करी, आरबीआई को कमजोर करती जा रही, बेहद कमजोर करती जा रही, लेकिन इस सारे साधन संसाधन, चिंता की एकमात्र बात है साधन संसाधन का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने व्यक्तिगत हित में वो घातक है। एक मानना है मेरा, देश में वो लोग, उनका जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए, बुनियादी सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, उसके लिए अधिकतम जो सरकारें या पार्टियां कर सकती हैं उनको आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनोज भाई, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 38 के मुताबिक लोगों में असमानता को कम करने के लिए और जो पिछड़े तबके के वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं की बात कही गई थी। हमारे साथ प्रवक्ता सभा के रूप में तारिक जी मौजूद है। तारिक भाई, पूरी बात सुनी, मुद्दा आपको पता ही है, समाजवादी पार्टी क्या रुख है इस मुद्दे पर? सिद्धांत समाजवाद सिखाता है, उसी सिद्धांत पे समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। जो सिद्धांत राम मनोहर लोहिया और जेपी साहब ने सिखाया था कि समाज को उधर पूंजीवाद को खत्म करना है और समाज में समानता लाने के लिए इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल जरूरी है। इस टूल के सहारे से जो यहाँ तक पहुंचे हैं उनको अगर खत्म करने की बात की जाएगी तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले आएगी, उसका विरोध करेगी। और जिसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है सोशलिज्म, वहां से शुरुआत होती है जी। और उन सिद्धांतों को लेकर यहाँ तक आना जी। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको कम करना, कैपिटलिज्म जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं उसको खत्म करना जी। और जो सरकार के संसाधन है उनको जनता के बीच में बराबरी से बांटना, ऐसा नहीं बांटना कि जिसको जितनी जरूरत हो उसको बराबरी से बांटना, हमको समाजवाद सिखाता है। अब इन्होंने क्या किया, रेवड़ी कल्चर इन्होंने अपने दोस्तों के लिए दिखाया। दोस्त इनके जिनका नाम अडानी साहब है, दुनिया के अमीर, महीनों में पहुंच जाएंगे। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जी यूरोप में, वो दबाया दिन आता है जहां पर पूंजीवाद हावी जी, वो लोग हावी थे जिनके हाथ में कुंजी जी, जो जो लोगों को लोग जो जो एक जमाने में तमाम स्टेट सरकार को कहते। अब मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये वही जमाना क्या लौटाल के वापस लाना चाहते जी। इस तरह की चीजें इसलिए की जाती है समाज का वो ऊपर आए और उसने आपको पैसे भी दिए, आप उससे टैक्स लेते हैं, तो साबुन खरीदता है आप उससे टैक्स लेते हैं, उसका अधिकार है
उसके अधिकार को वापस करना है, और जब उसके अधिकार को वापस करना होता है तो 1,80,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट टैक्स माफ कर कर आप अपने दोस्तों को रेवड़ी तो बांट देते हैं। अगर वो गरीब जिसको सामाजिक समानता, जिसको समाजवाद, जिसको सोशलिज्म, जिसको ये सारे सिद्धांत बताते हैं कि उनको बराबरी पे लाना है, तब एक समता मूलक समाज का निर्माण होगा। उसके प्रति आपका जो रवैया है, और एक एस्पेक्ट और मैं आपको बता दूं, को इस तरीके से जो एक तरीके से जो उदय हुआ है कुछ पार्टियों का, इनको उनसे डर भी हो गया मोदी साहब को, मैं बता रहा हूँ आपको। और जो बात है बजट की, तो बजट 6.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश ने पेश किया जी। तो जो अभी आरबीआई गाइडलाइन स्टार्ट हो रही थी, क्या उत्तर प्रदेश में जहां आपकी सरकार नहीं है जी, वहां पर आप बजट की गाइडलाइन याद दिलाएंगे? 90,000 का डेफिसिट है गौरव भाई जी, 90,000 का डेफिसिट समझते हैं? 90,000 करोड़ का डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब आपने कमाया कितना और बजट उससे ज्यादा आपने होता है जो डिफरेंस होता है। आप हर बार बजट ये अपनी हवाई उड़ाने के चक्कर में तारिक भाई, पर यहाँ पर एक बात ये भी है कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो रही थी तो आम आदमी पार्टी ने मुफ्त राजनीति की बात की थी, मुफ्त बिजली की बात की थी, इमरान भाई सुन रहे हैं मेरी बात को, और वही उसी फलसफे पर दिल्ली में सरकार बनाए हुए हैं, और उसी फलसफे पे कांग्रेस जो हमारी पार्टी है वो कांग्रेस को हटाकर वहाँ पर पंजाब में आई है, उसी के बाद उन्होंने की, तो उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद कहा कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, आपने भी उसी फलसफे को अपना लिया, और यहाँ तक कि फॉर्म भी भरवाए गए घर घर जाकर, ये बात सत्य है। तो कहीं ना कहीं मुफ्त की राजनीति की शुरुआत तो हम भी कर रहे हैं, और लोगों की जो फलसफा है जो उनका एक एजेंडा है उसको हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो मुफ्त की राजनीति जहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि अगर सबको बराबर करना है तो ये रेवड़ी कल्चर कहाँ जाएगा, और रेवड़ी कल्चर की शुरुआत अगर हम फॉलो करेंगे तो कहाँ तक हम समाजवाद की बात को लोगों तक पहुँचा पाएंगे? आपको मेरी आवाज आ रही है जी? जी चलिए, मेरे ख्याल से तारिक भाई की आवाज़ नहीं आ रही है। इमरान भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इमरान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान भाई को मेरी आवाज आ रही है? मोहम्मद इखलाक जी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी। इखलाक जी आपने देखा आप भी युवा हैं, तमाम तरह के समय देश में मुद्दे गर्म है, इस समय एक मुद्दा और गर्म है वो है रेवड़ी कल्चर, उस पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और कल भी सुनवाई हुई थी। 20 अगस्त को सभी राजनीतिक दलों को अपने अपना वहां पर जवाब देना था और 23 अगस्त को फिर सुनवाई हो रही है। क्या मानते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या आपका रुख है इस पर पीएसपीएल का? देखिए स्टार्टिंग में जो भी बात हुई है जी, मैं ऑडियो बिना वाने की वजह से नहीं सुन पाया जी, जी। और देखिए जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, रेवड़ी का जो मुद्दा चल रहा है बहुत ही गंभीर जी, जी। और जो भी सरकारें या जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो वादे करती हैं कि हम बिजली फ्री में देंगे या जो भी ऐसी चीजें हैं जो हम फ्री भी देंगे, वो चीजें गरीबों को, वंचित को, बेरोजगारों को क्या आज मिल रही हैं? नहीं मिल रही। उद्योगपतियों को मिल रही हैं, जो उनके साथी हैं उनको मिल रही हैं, जिनके लिए ये योजना बनी है या जिनको इसका लाभ होना चाहिए हमारे देश का। जी जी गलाक जी आपकी आवाज कट गई है जी, बोलिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ आपकी आवाज। हाँ, तो उनको ये योजना मिलनी चाहिए जो कि उनको नहीं मिल रही है जी। भाई सरकार का पैसा कहाँ यूज होना चाहिए जी? सरकार का पैसा यूज होना चाहिए अच्छे स्कूल पे, जिससे हमारे बच्चे एजुकेटेड हो, हमारे बच्चे पढ़ाई करें, जितने युवा हैं बच्चे हैं पढ़ाई करें ताकि वो अच्छे शिक्षित बने, अच्छे बच्चे बने। और सरकार का पैसा और कहाँ यूज खर्चा होना चाहिए? हॉस्पिटल पे खर्चा होना चाहिए, जिससे हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाते उनको फ्री में इलाज मिले, अच्छा और बेहतर इलाज मिले, जिससे हमारे सभी लोग स्वस्थ रहें। सरकार का पैसा कहाँ खर्चा होना चाहिए? सरकार का पैसा फैक्ट्रियों पे खर्चा होना चाहिए, जिससे जो हमारे बेरोजगार लोग उनको रोजगार मिले। ऐसी योजनाओं पे सरकार का पैसा खर्चा होना चाहिए। और लोगों को भी ये चीज देखना होगा और सरकारों को भी चीज देखना होगा कि ऐसा उनको लोगों को लालच ना दे दे
कि वो सब काम धंधा छोड़ के बस ये सोचे सरकार तो हमको जेब से खर्चे पैसा दे ही रही है। इन सरकार को एक अच्छी नीतियां बनाना चाहिए जिसके जिनके लिए अगर ये योजना बनती है तो पैसा उन तक पहुंचे, उन गरीब लोगों की, उन बेरोजगार लोगों की, इन वंचितों लोगों की मदद हो पाए। और पीएसपीएल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हमारे नेता शिवपाल सिंह यादव जी का साफ रुख है कि हम हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ते आए हैं और हमने जो भी वादे की हमारे नेता सरकार में थे, मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत से ऐसे गरीब लोगों को काम किए और बहुत सी ऐसी योजनाएं दी हैं जिसका सरकार का पैसा सही जगह यूज हो। उन्होंने ना जाने कितने ऐसे पुल बनाए थे अपने मंत्रालय में जहां आज कई कभी पूरी जब से देश आजाद हुआ तब से पुल नहीं बने थे, उन्होंने पुल बनाए थे, आज जाके देखिए वहां पर कितने लोगों को उस पुल से फायदा हो रहा है। तो अखिलेश जी आप मानते हैं लैपटॉप देना, मोबाइल देना, टैबलेट देना रेवड़ी कल्चर है? आपकी सरकार जब थी तब भी आपने बांटा गया। देखिए लैपटॉप दिया गया, लैपटॉप से क्या लोगों को मदद नहीं हुई? क्या बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी लैपटॉप से? तो लैपटॉप समाजवादी पार्टी मानती है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है वो ठीक है, लैपटॉप देना टैबलेट देना ठीक है? देखिए समाजवादी पार्टी क्या मानती है तो तारिक भाई समाजवादी पार्टी के लोग बता पाएंगे, उस समय तो आप लोग सरकार एक थी ना आपकी? नहीं, हमारी हमारे नेता सरकार में थे, मैंने क्या बताया, हमारे नेता ने सरकार का पैसा कहाँ पे यूज किया? उन्होंने पुल बनाए, उन्होंने रोडे बनाए, उन्होंने सड़क बनाई, तो सरकार का पैसा उन्होंने बेहतर से बेहतर जो यूज हो जाना चाहिए था उसको उन्होंने उस पे यूज किया। जी प्रसपा का क्या रुख रहेगा अब इस पर, जब जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट से, प्रसपा का रुख रहेगा? प्रसपा का रुख साफ रहेगा कि सरकार का जो पैसा है, सरकार के जो पैसे से जिन लोगों की मदद होनी चाहिए, हमारे गरीब भाइयों की मदद होनी चाहिए, वंचित लोगों की मदद होनी चाहिए, बेरोजगारों की मदद होनी चाहिए, और ऐसी योजनाएं ना बनाए जिससे कि गरीबों की लोगों की मदद ना होने के बजाय कुछ उद्योगपतियों की या जो बीच में बैठे दोस्त यार होते हैं सरकार के, उनकी मदद हो पाए। हमारे साथ हमारी पार्टी से इमरान लतीफ जी जुड़े हुए हैं। इमरान भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, इमरान भाई को सेट कर चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जाबिर भाई साथ में हैं। जाबिर भाई, काफ़ी लंबा समय आपको पत्रकारिता में है और काफ़ी ज्ञान भी है, क्या मानते हैं जिस तरह की आज के ये रेवड़ी कल्चर का मुद्दा गर्म है और लगातार सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है, दलों को बोला गया है जवाब दें और 23 अगस्त को फिर सुनवाई होनी है, तो मुफ्त बिजली, मुफ्त पेयजल, मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, ये रेवड़ी कल्चर है या जो याचिका दाखिल की गई है वो गलत है? बहुत ही सार्थक पहल है, अगर इस पे चर्चा अगर सार्थक और पॉजिटिव हो जी। तो ये इसके दो आयाम हैं जी। जिन पॉलिटिकल पार्टियों को अपने चुनाव में जी एजेंडा के तहत, अपने घोषणा पत्र के तहत जी उनको मंडेट मिलता है जी, तो उसको अपना अधिकार समझकर संसाधनों पे एक तरह से अतिक्रमण है। मिसाल के तौर पे जी दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश में जी आप ये समझ सकते हैं कि जो भी पार्टी अब आ रही हैं उनके पास संसाधनों का कोई आकलन नहीं है जी। पानी फ्री, बिजली जी फ्री जी, आखिर ये आएगा कहाँ से जी? इतनी बड़ी आबादी, 130 करोड़ के आसपास की आबादी है, हमारे पास नीति आयोग है, योजना है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है जी, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है इस समय में जहाँ विकास के आयाम को गति देने की बात है, तो हमें दूसरा पहलू ये है कि हमारी सरकारें स्टेट वेलफेयर मोड में काम करती हैं, गरीबों, वंचित और किसानों, बेरोजगारों के लिए काम करती हैं, तो ये भी हमें देखना है। तो साथ साथ ये दोनों पहलू जो राजनीतिक तौर पे अपनी दूरी को तय करता है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, पंजाब में शेड्यूल कास्ट को स्कॉलरशिप मिलती थी, पिछले 2 साल से नहीं मिल रही, हज़ारों बच्चे जो हैं अपने घर आवास जो छात्रावास था उससे वापस हो गए। उत्तर प्रदेश में देखेंगे आप या पूरे देश में देखेंगे जहां 15,000 करोड़ शिक्षक में स्कॉलरशिप मिलता था प्री मैट्रिक मैट्रिक, वो घट के 5,000 करोड़ हो गया है, और उसमें भी लाभान्वित यानी जो बेनिफिशरी हैं उनकी तादाद घट रही है। तो वजह बहुत सारी हैं और कोर्ट का जो संज्ञान लेना ये बहुत ही अहम बात है और बहुत ज़रूरी है कि ये पॉलिटिकल पार्टी से कमिटमेंट लें कि क्या ऐलान करते वक्त इनसे एफिडेविट भी लेना चाहिए कि अगर आप संसाधनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं आप, तो क्या किसी वजह से आप इसको पूरा नहीं करेंगे तो क्या सजा होनी चाहिए या क्या आपके साथ बर्ताव होना चाहिए चुनाव आयोग का। तो चुनाव आयोग को भी अख्तियार होना चाहिए, साथ साथ जो है हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं
जुडिशरी हैं, इन सबको एक समन्वय बनाकर इंटीग्रेट मॉडल पे जाना चाहिए। अब ये समय है जहाँ पे एक लाइन ड्रा होनी चाहिए कि क्या चीज़ हम फ्री दे सकते हैं। आज आप दूषित वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ पे लखनऊ जैसे शहरों में मानक से भी ज़्यादा खतरनाक मामला है उसका वातावरण इन्वायरमेंट में, तो ये क्या ये इस पर भी अध्ययन नहीं होना चाहिए? तो आप जो फ्री रेवड़ी का जो कल्चर है ये बहुत दिनों से चल रहा, पीछे से चल रहा, चलिए देर आए दुरुस्त आए, अब इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, सार्थक प्लान बनना चाहिए और जितनी हमारी पॉलिटिकल पार्टी हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर और अब ये तय करना चाहिए कि मेरे देश के लिए क्या संसाधन हैं और क्या हम दे सकते हैं। ये कल्चर अब बंद होना चाहिए और बहुत ही बेहतर होगा कि इसमें आवाम का एक कंसेंसस होना चाहिए। अब मनरेगा से शुरू करिए या आप आके यहाँ पे दिल्ली में जल बोर्ड का पानी जो है फला साहब इतने देंगे तो उनका इतना होगा, बिजली 300 से कम होगी तो ये होगा, तो आप स्टेट उत्तर प्रदेश में भी आ गए और फिर पंजाब में भी चले गए। क्या दिल्ली के मॉडल को रिव्यू नहीं करना चाहिए? शिक्षा क्षेत्र में इतना बेहतर प्रगति हुई है, तकरीबन 8,000 शिक्षकों की ज़रूरत है, अभी तक भर्ती नहीं हुई वहाँ पर। पंजाब में आप गए हैं, वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों को छात्रावास छोड़ना पड़ा, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए? तो जो हमारे पास शिक्षा पे कम पैसे खर्च हो रहे हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्चे हो रहे हैं, तो डिमांड सप्लाई का स्टडी होना चाहिए, डिमांड सप्लाई के बीच में एक सामंजस्य होना चाहिए। और ये मेरे समझ से सुप्रीम कोर्ट के इस पहल पे हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बिल्कुल इस पे संजीदगी से इस पे कदम उठाना। पंजाबी जी, समस्या ये भी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते और इस पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग कानून बनाए। खैर, मुद्दा अलग है, पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी जिम्मेदारी जरूर बनती है कि इस मामले को गहन संज्ञान ले, वो जवाब दे। खैर, इमरान लतीफ हमारे साथ, हमारी पार्टी जुड़ गए हुए। इमरान भाई, शुरुआत तो खैर आपकी तरफ से ही हुई थी, क्योंकि जो पटकथा रची गई दिल्ली में उसके बाद लगातार दिल्ली में आपको जन समर्थन मिल रहा है और सरकार आप बनाते चले जा रहे हैं, और उसी का लाभ आपको पंजाब में भी मिला है। क्या मानते हैं कि जो मुफ्त रेवड़ी कल्चर है इस पर आम आदमी पार्टी क्या रुख होना चाहिए? देखिए गौरव भाई, सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि मुफ्त रेवड़ी का कल्चर है क्या। जी जी, आवाज नहीं आ रही इमरान भाई आपकी। जी बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए। जो आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी की बात कर ले तो उसमें सबसे जो मूल अंतर है वो इस बात का है कि आम आदमी पार्टी जो गरीब तबका है, उपेक्षित तबका है, कमजोर तबका है, उसको सुविधाएं देकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के मुताबिक मजबूत बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने दरअसल जो रेवड़ी कल्चर की बात जो नरेंद्र मोदी जी ने की वो असल में अपनी बात कर रहे थे, किस तरीके से उन्होंने रेवड़ियां बांटने का काम किया है। 10,00,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंकों का खाकर इनके मित्र बैठ गए, बेईमान जो पूंजीपति मित्र थे उन्होंने बैंकों का 10,00,000 करोड़ रुपए जो है वो कर्ज खाकर बैठ गए और बैंकों को दिवालिया बना दिया। ये रेवड़ी है दरअसल, ऐसी बातें ना कहें जो रेवड़ी दरअसल ये आप प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए विवेक भाई, मैं पूरी बात कह लूं फिर आप कहिएगा, आप ये ना व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, पूरी बात मित्र खाकर बैठ गए। मैं पहली बार बोल रहा हूं तो मुझे पहले सेशन में बात अपनी पूरी रख लेने दीजिए। बात करें आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के ऊपर बात कर रहा हूँ, उनके मित्र खाकर के बैठे 10,00,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने बेईमान पूंजीपति मित्रों के ऊपर लुटा दिए, तो वो कहा जाएगा रेवड़ी है? रेवड़ी वो है जो कॉर्पोरेट घरानों को 5,00,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया गया, वो जो टैक्स माफ कर दिया गया वो रेवड़ी है। ये गलत बात है, ये आप व्यक्तिगत आरोप डालकर आप विषय पे बात कर रहे हैं। विवेक भाई का कहना है कौन से मित्र है, उनका नाम बताइए जिनको उन्होंने लाभ दिया है। देखिए गौरव भाई, इस तरह से मैं इस सेशन में पहली बार बात कर रहा हूं, तो पहली बार मेरी पहली बात आ जानी चाहिए, दूसरे सेशन में उसके बाद। ये गलत बात है, आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में, आपने बहुत सारी झूठी बातें करी, उस पे अगर हम आ जाते तो आप बोल ना पाते। ठीक है, लेकिन मछली बात मत बनाइए, इसको डिबेट हो रही है, हल्की बात मत करिए। जहां
तथ्यात्मक बात हो रही, मुझे पता है मिर्ची क्यों लग रही है आपको, मिर्ची बुंदेलखंड में लगी थी पहले प्रधानमंत्री जी को, मिर्ची इस वजह से लग रही कि गुजरात की तकता हुआ नजर आ रहा है, मिर्ची इस वजह से लग रही कि हिमाचल प्रदेश की तकता हुआ नजर आ रहा है, मिर्ची इस वजह से लग रही कि 2024 चुनौती देने वाला टक्कर देने वाला तैयार है, अभी तक आपने कमजोर विपक्ष का सामना किया था, अभी तक कोई आपकी आंखों में आके डाल के बात नहीं कर पा रहा था, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आपको चेतावनी देने का काम कर रही है, चुनौती देने का काम कर रही है, आपका सामना करने का काम कर रही है, बौखलाहट आपकी वाजिब है, जेन्युइन है, लेकिन बात आने दीजिए पहले, मुफ्त रेवड़ी वो नहीं होती है जो गरीब मजदूरों को बिजली फ्री में दी जाए, शिक्षा फ्री में दी जाए, रेवड़ी कल्चर का मुद्दा है और शुरुआत और कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई है मुफ्त राजनीति की और उसकी पटकथा को और दलों ने भी अपनाया था, और हालांकि जिन दलों ने अपनाया था मुफ्त की राजनीति की जो कल्चर था वो चल नहीं पाया, बहुमत तो खैर छोड़ दीजिए, सीटें ही नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रेवड़ी कल्चर बहुत प्रभावी है और लोग जनता तक उसका लाभ पहुँचता है और जनता उसको देखते हुए वोट देती है, पर यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक अलग व्यवस्था लेकर चल रही है उस पर चर्चा हो रही है और रेवड़ी कल्चर उसका प्रमुख मुद्दा है, अपनी बात पूरी करिए। देखिए मैं फिर से अपनी बात कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने लोगों को सबसे जो बेसिक जरूरतें हैं जी, शिक्षा की जरूरत है जी, 75 साल हो गए, आज भी आप देश के अंदर कहीं भी चले जाइए सरकारी स्कूलों की हालत खुद देखकर अंदाजा लगा दीजिए कि 75 साल में सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, आप सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं, देखिए गौरव भाई ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, या तो उनको म्यूट करिए या तो मैं बाहर जाऊं, फिर इस तरह से मैं मछली बाजार में डिबेट नहीं करता, आप बोले बोले आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, बौखलाहट समझ में आ रही विवेक जी की, जी बोले हमें बौखलाहट बोल रही है इनकी, आपको लगे हाथ बताते हैं, आम आदमी पार्टी से हालत खराब हो गई, बौखलाहट बोल रही है, बौखलाहट देख रही है, अभी जवाब दीजिए, तरस आ रही है मुझे, अभी जवाब दीजिएगा, बात पूरी करिए, देखिए दरअसल फ्री रेवड़ी है क्या, अगर हम शिक्षा फ्री में दे रहे हैं, सरकारी स्कूल अच्छे बना रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों से बच्चों का सिलेक्शन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हो रहा है, दिल्ली इकलौता ऐसा राज्य है जहां सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो पीएमटी में सिलेक्शन ले रहे हैं, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन ले रहे हैं और तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं, तो ये दिल्ली में संभव हो पा रहा है क्योंकि वहां की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को हमने आमूलचूल तरीके से परिवर्तित किया है। आज उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पीलीभीत जिला अस्पताल के सामने सड़क पर जो है महिला का प्रसव होता है, ये हालत है उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की, तो इस तरह की हालात अब बदलनी चाहिए और उसके लिए फ्री में इलाज मिलना चाहिए, अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलना चाहिए, और अगर फ्री में हम कर रहे हैं तो हम बिल्कुल गर्व के साथ कह रहे हैं, इसको आप रेवड़ी कहिए कुछ और कहिए हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मानना यह है कि फ्री रेवड़ी है 10 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीपति घरानों ने बैंकों के लूट के रख लिए अपने पास लेकर भाग गए विदेशों में, हम जो रेवड़ी है वो 5 लाख करोड़ रुपए वो टैक्स का पैसा है जिस जो कारपोरेट का माफ कर दिया गया, जो रेवड़ी लुटाने की काम आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो 30% जो कॉर्पोरेट टैक्स हुआ करता था उसको 22% कर दिया, एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स में 8% की कमी कर रहे हैं और दूसरी तरफ रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ एक साल के बच्चे का भी टिकट खुल लेने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रियायत रेलवे में दी जा रही थी 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग यात्रियों को वो भी वापस लेने का काम करें, बच्चों की पेंसिल महंगी कर दी, बच्चों की किताब कॉपी महंगी कर दी, खाने पीने का सामान महंगा कर दिया, बच्चों के लिए दूध महंगा कर दिया, अस्पताल के जो कैमरे हैं उनके चार्जेस बढ़ा दिए, उनके टैक्सेस बढ़ा दिए, तो एक तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल है जो गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है फ्री में दे रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है जो पेंसिल महंगी कर दे रही है, पढ़ाई लिखाई महंगी कर दे रही है, महंगी कर दे रही है जी, शिक्षा और स्वास्थ्य तो मैं आपसे संतुष्ट हूँ, पर जो मुफ्त की बिजली दी जा रही है वो कैसे संतुष्ट करेंगे, वो रेवड़ी कल्चर में नहीं आता क्या? बिजली आज के बिजली बिल्कुल रेवड़ी कल्चर में नहीं आता जी, विधायक जी फ्री में बिजली ले, मंत्री जी फ्री में बिजली ले, सांसद जी फ्री में बिजली ले, मुख्यमंत्री जी फ्री में बिजली ले, प्रधानमंत्री जी फ्री में बिजली ले, उनकी किसी पर गिनती नहीं है भाई, लेकिन अगर गरीब तबका 200 यूनिट बिजली फ्री में पा जा रहा है तो सबके पेट में मरोड़ होने लग रहा है, ये तो बड़े शर्म की बात है भाई, तो आम आदमी पार्टी सवाल उठना चाहिए तो पहले इस पर उठना चाहिए कि पहले माननीय लोग अपनी फ्री बिजली छोड़े, सब्सिडी छोड़े, तब जो
75 साल बाद अगर 200 यूनिट गरीब को मिल रही तो उस पर सबको एतराज हो जा रहा है, तो ये बड़े शर्म की बात है। आज सरकार ये कह रही है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन पूंजीपति मित्रों पर पूरा का पूरा बैंक लुटा दिया जा रहा है, आरबीआई खाली कर दिया जा रहा है, गवर्नर पे गवर्नर बदले जाते हैं, इसी वजह से क्या आप आरबीआई पे डाका नहीं डाल पा रहे तो गवर्नर बदल दे रहे हैं। तो ये हालत देश ने देखी है। आज कुल मिलाकर श्रीलंका देश गरीबों को मजदूरों को फ्री बिजली देने से नहीं बनता है। श्रीलंका अगर तो पूंजीपति घरानों को जो लुटाया जाता है कर उसकी वजह से होता है, लोन लुटाया गया और वापस नहीं आया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बेबी भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। देखिए गौरव जी, जिन विषयों पर इन्होंने आक्षेप किया प्रधानमंत्री के ऊपर जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जितने भी लोन लेकर के देश से भागे हैं जी, उसमें किसी को लोन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला जी। हाँ, उनकी रिकवरी की कार्रवाई चल रही है जी, कुछ वारंट पे है, कुछ जेल में है, कुछ जमानत पे, तमाम इस तरह की गतिविधियां चल रही है। और इमरान लतीफ झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2.5 लाख करोड़ रुपए अडानी को दिए गए। अडानी का पहले से कितना बकाया है, 2.5 लाख करोड़ रुपए अलग से कैसे दे दिया आपने श्रीलंका में ले जाकर अडानी को, ऑस्ट्रेलिया में ले जाके पावर प्लांट दिलाने के लिए लाइनिंग करने का काम कौन कर रहा था, जरा ये बता दीजिए कि लतीफ जी, कॉर्पोरेट घरानों का टैक्स 30% से 22% किसने कर दिया, 5 लाख करोड़ रुपए जो कॉर्पोरेट टैक्स था उसको माफ किसने कर दिया। बोला बोल लीजिए, और लोग मेहमान भी है, पहले जवाब दे देना, मैं सवाल ले रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ जवाब दे, कुछ भी बोलकर चले थोड़ी ना जाएंगे। नहीं कर सकते, जिस तरह रेवड़ी कल्चर की बात हो रही, विषय उस पे चल के आइए, उसी पे बात नहीं, रेवड़ी यही है जो 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिया आपने कॉर्पोरेट का, वो रेवड़ी है। चले, जो 11 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के लोग बैंकों का कर्ज दबा कर बैठ गए हैं, वो रेवड़ी है। बहुत जो 30% से 22% आपने टैक्स कर दिया है कॉर्पोरेट का, वो रेवड़ी है। यहाँ तक नहीं, इस पर जवाब दीजिए आप। जवाब जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, जवाब देते हैं, और मेहमान बिल्कुल जवाब दें तीनों प्रश्नों का। विवेक भाई जवाब दीजिए जी, ये विषय देखिए, जो रेवड़ी कल्चर का जिस भी व्यक्ति ने विषय को उठाया है जी, और सुप्रीम कोर्ट तक ले गया है जी, इसको बहुत बृहद तरीके से देखने की आवश्यकता है। इसको केवल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों में उलझाने की आवश्यकता नहीं है। रेवड़ी कल्चर केवल बिजली नहीं है, रेवड़ी कल्चर केवल लैपटॉप नहीं है, रेवड़ी कल्चर बहुत सी चीजें आती है। सबसे बड़ी रेवड़ी तो मिलाड़ खुद ही खाते हैं, सबको गाड़ी का टोल लगता है, मिलाड़ की गाड़ी का टोल नहीं लगता। ब्यूरोक्रेसी में एक अधिकारी के यहाँ विभागों से 5-5 गाड़ियां लगी रहती है, वो रेवड़ी में नहीं आती है। 10-10 नौकर पता नहीं कहाँ से लगे रहते हैं, उनका आप रिकॉर्ड नहीं ढूंढ पाए। भाई यहाँ पर रेवड़ी कल्चर के चुनावी बारों को लेकर कहा गया है, ठीक सारे जब विषय चला है तो इसको बृहद पैमाने पे, इसको केवल राजनीतिक दलों के आपसी विद्वेष में निपटा करके ये हमारे इनके बीच तो विषय खत्म हो जाएगा, और जो ब्यूरोक्रेसी जो पूरा लाभ उसका जो लेती है वो लेती रहेगी, और नेताजी लोग इसमें अपना वाद विवाद करके विषय समाप्त कर लेंगे। विषय पूरे इस ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से जनता के टैक्स के पैसे की लुटाई हो रही है, इसको बहुत बृहद रूप में देखने की है। सबसे बड़ी रेवड़ी तो मिलाड़ खाते हैं भाई, चलिए ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की गाड़ी को आप बिना टोल के पार करने दीजिए, मुख्यमंत्री करने दीजिए, मिलान तो सरकारी गाड़ी ड्यूटी पे उनकी भी गाड़ी पार होती है, केवल आम आदमी से टैक्स वसूला जाता है। अगर वर्दीधारी एक छोटा सा हवलदार भी बैठा तो कुछ ही टोल पे आपकी गाड़ी नहीं रुकने वाली है। तो ये बहुत सी चीजें हैं रेवड़ी कल्चर में, रेवड़ियां हर जगह बढ़ती है, केवल जनता तक नहीं आती है, रेवड़ियां अधिकारी भी खा रहे हैं, रेवड़ियां मिलाड़ भी खा रहे हैं। ये पूरे बृहद पैमाने पर चिंतन करके जनता के टैक्स के पैसे को लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगाने की, ये तय करना ये लोक कल्याणकारी योजनाएं क्या है, ये हमारा आपका सबका काम है। इमरान लतीफ जी, रोटी कपड़ा मकान भारत की मूलभूत आवश्यकताएं ये है, इससे इतर अगर सब लोग सहमत है कि नहीं बिजली भी इस दायरे में आती है, बिजली को भी उस दायरे में लीजिए। जो जब जब सारे राजनीतिक दलों से राय सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है तो राय देने दीजिए। चुनाव आयोग ने तो पहले हाथ खड़ा कर दिया कि साहब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो जो जब हमारे आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है तो इसमें गंभीरता से चिंतन मनन करके आइए कि कम से कम जनता के टैक्स से जो पैसा आ रहा है वो जनता के लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगे, ना हम खाएं, ना तुम खाओ, ना मिलाड़ खाएं, ना ये ब्यूरोक्रेट्स खाएं, वो सबसे बचाइए। प्रणव भाई पूरी बातें सुनी, समय थोड़ा कम है, क्या लगता है जिस तरह की आज चर्चा चल रही है, प्रवक्ता हमारी पार्टी ने अपना स्टेटमेंट दिए हैं, नेता भाजपा ने अपना स्टेटमेंट दिए, क्या मानते हैं कांग्रेस के क्या
एक पहल होनी चाहिए इस मामले में। देखिए, कांग्रेस हमेशा पक्षधर रही है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य यही रहा है कि देश के वंचितों को, पीड़ितों को, जो जिनकी क्रय सीमा या जिनमें रोजगार के स्वरोजगार के साधन नहीं, उसको मुकम्मल तरीके से पूरा किया जाए। दूसरा वो फोकस रहता है कि किस प्रकार से उद्योग के माध्यम से, स्वायत्ता संस्थाओं के माध्यम से, और देश में एक ऐसा भी माहौल बने जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी चीजें माने बेहतर प्रबंधन के तहत आए, ये प्रमाणिक रूप से हमने सिद्ध किया है। एक ही लाइन का कहना है कि बड़े गंभीर मुद्दों को आप, वो बधाई आपने इस सामयिक विषय पर चर्चा की, प्रधानमंत्री जी जैसे कद के नेता को कोई हल्की आधारहीन अमर्यादित बात नहीं करनी चाहिए और जुमलेबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी एक पार्टी को प्रधानमंत्री के द्वारा रेवड़ी कल्चर बांटने में अगुआ और अपने आप को सेफ गार्ड कर लेना ये ठीक नहीं है। ये नीतिगत मसला है, इसमें सारे पक्ष देखेंगे समझेंगे जो एक बेहतर रास्ता निकलेगा जिसमें टैक्सपेयर के साथ भी न्याय हो और उन सबको, वो सब लोग जिनको सरकारी सेवाओं का लाभ मिले, योजनाओं का लाभ मिले, उनकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। ठीक, हमारे साथ प्रवक्ता सभा द्वारा तारिक भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद तारिक भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही है। इखलाक जी आपको मेरी आवाज आ रही है? बताइए भैया, बोलिए। देखिए, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, मैंने सुना जी, और ये हमारी पार्टी का भी स्टैंड क्लियर है और देश का भी मेरे हिसाब से यही स्टैंड होना चाहिए जी, कि देश में सरकारी पैसे का सही उपयोग होना चाहिए जी, चाहे वो घर के रूप में हो, चाहे वो बिजली देने के रूप में हो, चाहे वो किसानों की मदद करने के रूप में हो जी, घर उन्हीं लोग को, आवास उन्हीं लोग को दिया जाए जिनकी आवश्यकता हो, जिनको घर चाहिए हो, जिनके छत सर पे छत ना हो, और बिजली उन लोगों को भी फ्री देनी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा गरीब तबके के लोग हैं जो हमारे देश में हैं जी। और सबसे ज्यादा तो ध्यान हमारे किसान भाइयों का रखना चाहिए जी। उनको हम किस तरीके से उनकी फसल के हिसाब से सामग्री दें जिससे वो फसल बेहतर कर सके जी। असली योजना ये होनी चाहिए ताकि वो हमारे किसान भाई जी। अच्छे से किसानी कर सके, बल्कि ऐसा होता दिखता नहीं है जी। किसान भाइयों की फसलों में हर चीज महंगी हो जाती है, खाद महंगी हो जाती है, किसानों के समीकरण महंगे हो जाते हैं, आप तो देखते हैं, हम सब देखते हैं जी। तो सरकार का जो सही पैसा है उसको सही जगह पे उपयोग होना चाहिए, मेरी और मेरी पार्टी का ये स्टैंड रहेगा। तारिक भाई आपको मेरी आवाज आ रही है समाजवादी पार्टी से? तारिक भाई संपर्क टूट गया है, इमरान भाई कोई बात कह रहे थे, बताइए आप। बिल्कुल अच्छी बात कही अखलाक भाई ने और बहुत अच्छी चीज पे इंगित कराया विवेक जी ने, जो यही बात हम बार बार कह रहे हैं कि अगर विधायकों को, मंत्रियों को और तमाम इस तरह के जो पदासीन हैं उनको फ्री में बिजली मिले, उनका टोल टैक्स माफ है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, तो उस पर सवाल नहीं होता था। सवाल तब उठा है जब दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाने लगी। गौरव जी आप भी अच्छे से जानते हैं कि 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल कौन लोग करते होंगे, तो समाज का जो सबसे पिछड़ा तबका है जिसके यहाँ एक दो बल्ब जलते होंगे, एक दो पंखे चलते होंगे, वही 200 यूनिट बिजली महीने भर में इस्तेमाल करेगा। अगर उसको थोड़ी सी सब्सिडी दे गई, उसको अगर बिल माफ कर दिया गया, तो इस पे बड़ी हायतबाव मचाई जा रही है। तो दरअसल जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और पूरे देश के अंदर जो सपना लेकर हम जा रहे हैं, उसमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो सपना था, उसको हम धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। हम उपेक्षित वर्ग को, कमजोर वर्ग को, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको हम मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं, उसको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। हम अमीरों को अमीर नहीं बनाएंगे, हम गरीबों को अमीर बनाने का काम करेंगे, उनको समृद्ध करने का काम करेंगे, यही आम आदमी पार्टी का मॉडल है। तो दिल्ली पंजाब में चले और पूरे देश में जाएगा। बीबी भाई कुछ कहेंगे? इमरान लतीफ जी, आपकी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री ने जिस विषय का वर्णन बृहद रूप में किया उसको आपने अपने ऊपर ले लिया। विषय आपके बिजली, आपकी 200 यूनिट फ्री तो आप पिछली सरकार से दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो विषय अभी कुछ दिन पहले उठाया। विषय जो परिस्थितियां कालखंड की बन रही विश्व की, उसको देखते हुए बृहद पैमाने पे इस पे चर्चा की आवश्यकता है। अरे भाई, तो वही तो पूछ रहा हूं कि तीन सवाल मैंने भी किए थे विवेक भाई, आप उसका जवाब दे ही रहे हैं। सुन लीजिए, मैं प्रधानमंत्री जी से संबंधित ही तो बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुन तो लीजिए। 11 लाख करोड़ रुपए जो बैंकों का लूट कर बैठ गए पूंजीपति मित्र, उस पर आप जवाब दे दीजिए। देखिए, फिर मैं 5 लाख करोड़ रुपए टैक्स का माफ कर दिया गया, क्या वो रेवड़ी में नहीं आता है? सारे विषयों पे क्या वो गरीब मजदूरों की कमाई के टैक्स का पैसा नहीं था? मेरी बात सुन लीजिए, जो टैक्स उनसे मिलना था उसमें जो जीएसटी ने टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स में जो कमी की,
अब आप उसका भी ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं कि साहब इन इन चीज़ों पे टैक्स जीएसटी ने बढ़ाया, इन इन चीज़ों पे कम किया। जीएसटी काउंसिल में आपकी भी दोनों प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं। जीएसटी काउंसिल में जो तय होता है आप भी जानते हैं, सर्वसम्मत से तय होता है। उसके बाद आकर के यहाँ विषय को 5,00,000 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया गया। विषय को डिरेल मत करिए। बात यहाँ ये रेवड़ी नहीं है क्या? चले मैं उसी वो मजदूरों की कमाई का टैक्स किसी और दिन उस पर चर्चा हो जाएगी, चर्चा करिए उस पर जवाब दिया जाएगा। बात अगला विषय वही रखा जाएगा, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने अगला विषय में यही रखने वाला हूँ। जो राजनीतिक राय मांगी है उसमें सबको देना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान भाई अगली बार हो सकता है, इसके अतिरिक्त अगर ये तय होता है कि नहीं साहब बिजली को इसमें शामिल किया जाए, बिजली भी शामिल होगी, कौन रोक रहा है आपको? आप 500 यूनिट बिजली फ्री दीजिए, कोई रोक रहा क्या? फ्री की रेवड़ी लुटा दिया कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर भाई, वहाँ गरीबों को मिल रहा है तो पैसे आप उठा सकते हैं। कॉर्पोरेट घरानों पे लुटाया जा रहा है, सवाल भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर मिलाल कॉर्पोरेट के गुलाम बन गए हैं आप, मिलाल इसमें न्याय के पक्ष में रहना चाहते तो उनको सबसे पहले अपनी रेवड़ी वापस करनी चाहिए। चलिए चलिए बड़े जाबिर भाई अपनी बात पूरी कीजिए, इसका विजिट खत्म करते हैं, बताइए। जैसा कि आम आदमी पार्टी या जो अदर पॉलिटिकल पार्टी हैं जी, ये जो बयार चली है प्रगति की विकास की, ये सरकारों का निरंतर प्रयास है। जैसा कि कांग्रेस बीजेपी अधिकतर समय सत्ता में रही हैं, अब उसको एक अनुभव आम आदमी पार्टी को भी हुआ है। ये जानना जरूरी है देश की जनता को कि आप लाएंगे कहाँ से, नंबर एक। नंबर दो ये भी जानना जरूरी है कि क्या देश की संपदा पे, संसाधन पे हर वो आखिरी आदमी जिसकी बात रेफरेंस में आया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या तमाम वो लोग जो देश के सार्थक पहल में लगे रहे, तो हर पार्टियों पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप दीजिए लेकिन आपकी बढ़ोतरी मिडिल क्लास पे ना जाए, बड़ों की बात यहाँ नहीं होती है। स्टेट वेलफेयर मोड में काम होता है और संसाधनों का रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो। आप खूब जनता को दीजिए, आप जनता से रेवेन्यू जो लेते हैं उसको रेवेन्यू को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। दिल्ली मॉडल का भी रिव्यू होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी मॉडल का रेवेन्यू होना चाहिए और साथ साउथ के मॉडल का भी रेवेन्यू होना चाहिए। ये रेवेन्यू कल्चर को, ये रिफॉर्म की प्रगति पे बात हुई थी। रेवड़ी कल्चर वर्ड सही हो सकता है नहीं हो सकता ये विषय अलग है, लेकिन क्या रिफॉर्म के जो प्रगति है, जो स्टेप्स हैं, जो भारत सरकार की नीतियों पे आधारित हैं, सरकारें आती जाती रहेंगी, जो रेल के साथ हो रहा है, जो बिजली के साथ हो रहा है, जो अलग अलग संस्थाओं के साथ जो हो रहा है रिफॉर्म की प्रगति में, कि आपने कहा कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से, सवाल आज क्वेश्चन ये है कि देश को चलाने के लिए जनता के जो दी गई सुविधाएं हैं तो उसका आकलन होना चाहिए। और ये आज बहुत ही सार्थक समय के मुताबिक आपका था ये टाइटल, और इस पे जरूर इस पे निर्णायक फैसला लेना चाहिए और साथ के साथ चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान देना करना होगा। थैंक यू। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर चर्चा हुई और यहाँ पर रेवड़ी कल्चर का जो मुद्दा था, सभी दलों ने अपनी अपनी राय दी, बताया किस तरह से चीज़ें होती है। और उन्होंने ये भी बताया कि रेवड़ी कल्चर हम नहीं कर रहे हैं, रेवड़ी कल्चर दूसरी पार्टी कर रही है। पर मेरा मानना यह है कि संविधान के अनुच्छेद के मुताबिक और बाबा भीमराव अम्बेडकर के धारणा के मुताबिक यहाँ पर जो सुविधाएँ वो सबसे पहले स्वास्थ्य और सबसे पहले शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा अगर बेहतर होगी तो हमारा देश प्रगति कर सकेगा। जब एजुकेट रहेगा, जब साक्षरता दर आगे बढ़ेगी, लोग एजुकेट रहेंगे, साक्षर रहेंगे, तो निश्चित रूप से उनको किसी भी मुफ्त सुविधा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो खुद इस लायक होंगे कि ना उनको मुफ्त राशन जरूरत पड़ेगी, ना उनको मुफ्त की यात्रा जरूरत पड़ेगी, ना उनको मुफ्त की किसी योजना की जरूरत पड़ेगी, ना उनको किसी मुफ्त बिजली की जरूरत पड़ेगी। अगर स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और शिक्षा बेहतर रहेगी तो इस तरह की दिक्कतें जो रेवड़ी कल्चर है वो प्रथा वो व्यवस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए ना कोई याचिका दाखिल करनी होगी और ना सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। पर चूंकि मामला अहम है और इस मुद्दे पर लगातार सुनवाई चल रही है, इसलिए इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को बेहतर पहल करते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दोनों को निर्देशित करना चाहिए कि इस मामले पहल करें और देश के विकास को लेकर, शिक्षा और मेडिकल को लेकर अगर आप कुछ बेहतर पहल करते हैं तो उसका अनुसरण करिए। बाकी इस तरह की राजनीति जो है रेवड़ी कल्चर की राजनीति, इसको खत्म करना चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम।